नहीं, वो सब तो ठीक है, मुझे बस ये बताओ मीडिया को इनवाइट्स तो टाइम से चले गए थे ना? ओके ओके, वेरी वेल, गुड गुड गुड, ओके बाय, टेक केयर, बाय बाय बाय। अखिल कल के संगीत के लिए प्रेस का अरेंजमेंट हो गया है ना? हाँ जी सुमन मैम, सारे पब्लिकेशंस के टॉप हेड्स को इनविटेशन चले गए, अभी टीम से वही कंफर्म कर रहा था मैं। ओके, कल का इवेंट मेजर होने वाला है, मेगा इवेंट, पूरे इंडिया में पब्लिसाइज होगा मैम, ट्रस्ट मी। अखिल, आई जस्ट होप कि तुम जैसा बोल रहे हो वैसा ही हो। ये पब्लिसिटी के बदले में ही तो हमें ये लोकेशन और सारी चीजें फ्री मिल रही है, कहीं ऐसा ना हो कि वो लोकेशन के ओनर्स ही हमसे खफा हो जाए। नहीं होंगे मैम, डोंट वरी, उनको पब्लिसिटी चाहिए ना, उनको इतनी पब्लिसिटी मिलेगी उन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। हाँ मुनिया, भगवान भला करे तेरा, कब से गर्मा गर्म चाय चाहिए थी मुझे, मिल गई, थैंक यू। क्या हुआ, ऐसे बुत बनकर क्यों खड़ी है, कुछ चाहिए क्या तुझे, कुछ कहना है? मुनिया प्लीज, तेरी दी की शादी है, छुट्टी मत मांगना, बिल्कुल भी छुट्टी मत मांगना। छुट्टी की बात नहीं है मम्मी जी, तो छोटा मुंह बड़ी बात, पता नहीं कैसे कहूँ, पर बाकी सारे काम में आप इतनी बिजी हो गई हैं कि सबसे जरूरी काम तो आपको याद ही नहीं। अब क्या रह गया? आपकी बेटी की शादी है, सोना दीदी वैसे तो बहुत समझदार है, रीति रिवाज रस्में सब पता है उन्हें। हाँ, तो सुहागरात, उसके बारे में वो कुछ नहीं जानती। आप माँ है, आपको उनसे जाकर बात करनी चाहिए, सुहागरात लड़की की जिंदगी में बहुत मायने रखती है, अब उसे पता तो होना चाहिए कि सुहागरात पर होता क्या है। ये वाला, अरे नहीं यार, रुक जाओ ना यार, रुक जाओ, ये चक्कर नहीं यार अजीत, ये गाना बहुत स्लो है यार, तो वो ये लो कॉफी। अरे कोई मेरी बात सुनेगा, गाइस प्लीज लिसन, भाई हमारी टीम कौन सी, टीम गोरेगांव, तो गाना पेपी होना चाहिए यार, मस्ती वाला। रोहन भैया सिंधी गाना चलो ना, बहुत अच्छा लगेगा। हे नाइस आइडिया विम्मी, पर देखो ना विम्मी, कोई सिंधी पेपी म्यूजिक मिल ही नहीं रहा जिस पर हम परफॉर्म कर सकते हैं। हे गाइस, आई हैव एन आइडिया, क्यों ना हम पंजाबी गाने पे डांस करें यार, वैसे भी सिंधी और पंजाबी भाई भाई, नो व्हाट से रैड, घोड़े पे ही चढ़ जाती आइडिया बताने के लिए। लेकिन आइडिया बिल्कुल कमाल है, पंजाबी गाना सबसे फिट है भाई, तो कमाल का पेपी होता है, और रोहित सोनाक्षी का संगीत है, पंजाबी गाने से बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। डन डन डन, चलो ढूंढो ढूंढो। ए रोहित के लिए गाना ना, लेकिन वही सिलेक्ट करेगा, बाद में बहुत चिक चिक करता है। ए मिनट, लेकिन रोहित है कहाँ? जी जी कहाँ अंकल, रवि ठीक तो है ना? अंकल आप कल आ रहे ना फंक्शन पे? अब देखिए कल हमें अच्छी खासी सिक्योरिटी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये पकड़ा गया है नहीं, अब पता नहीं कहाँ से कब अटैक करेगा। यस ऑफ कोर्स अंकल, आई ट्रस्ट यू, थैंक यू थैंक यू। लगाने लाई थी वो, क्या है, बहुत भागा दौड़ी हो रही है ना तेरी, तो थोड़ी चंपी कर दूंगी तो आराम मिलेगा। मम्मा, लास्ट आप 10 साल पहले आए थे मेरे पास चंपी करने के लिए, वो भी क्योंकि आपको बहुत जरूरी बात करनी थी, और फिर आज आए हो, मतलब आज भी कोई जरूरी बात करनी, क्या बताओ? सुना तो पागल है, अरे तेरी शादी हो रही है, पता नहीं उसके बाद कब तेरे बालों में मैं तेल लगा पाऊं, चल पलट जा, मैं अभी लगा। मम्मा 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 मम्मा, मैंने ना आज ही बाल धोए, अगर आप तेल लगा दोगे मुझे कल फिर बाल धोने पड़ेंगे, ऐसा मत करो प्लीज। मैं जानती हूँ आप मुझे कुछ बात करने आए हो, क्या बताओ? अब बताती हूँ, नहीं वैसे तुम्हारी शादी हो रही है तो खुश तो मैं बहुत हूँ सच में, और
रोहित भी इतना अच्छा लड़का है, लेकिन सुना शादी के बाद ना लाइफ बहुत चेंज हो जाती है। हाँ तू समझ रही मैं क्या कह रही हूँ? एक वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना। क्या मम्मा, आपकी बेटी पार्वती का किरदार पिछले 4 सालों से निभा रही, सब पता है मुझे, मैं बताती हूँ। देखो शादी की पहली सुबह उठकर तैयार होकर सबसे पहले रसोई में जाना, सबके पसंद का नाश्ता बनाना है, फिर लंच प्लान करना है, खास ख्याल रखना है कि घर के बड़ों की मेडिसिन कभी मिस नहीं होनी चाहिए। और अब रोहित को खुश करना है, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट काम है ना, ये तो तू भूल ही गई। अम्मा यही बात समझाने आई थी मैं, तो मुझे बता कि तू रोहित को खुश कैसे रखेगी? समोसे, मैं उसके लिए समोसे बनाया करूंगी। मम्मा ही लव्स इट, उसे बहुत पसंद है। सोना तू तू समझ क्यों नहीं रही है मैं तुझे जो समझाना चाहती हूँ वो? मम्मा जब तक आप साफ साफ नहीं समझाओगे मैं कैसे समझूंगी? रिलैक्स, अब बताओ क्या बोलना है? मैं तेरे साथ तेरी सुहाग रात के बारे में बात करने आई हूं। ओ अच्छा, तो आज मेरी मम्मा मुझे सेक्स एजुकेशन के बारे में बताने आई। वो सुन रही थी, पागल है तू, क्या ऐसी बात कर रही है? अरे क्या कर लेते हैं, सुहाग रात के बारे में समझाना है तो मतलब यही बात करनी है राइट? तू समझ ना मैं जो बोलना चाहती हूँ। मम्मा आपको सेक्स एजुकेशन के बारे में बात करनी है तो कीजिए ना, आप इतना ऑकवर्ड क्यों हो रहे हो? आप मेरी मम्मा हो, आपसे बेहतर मुझे इसके बारे में और कौन समझा सकता है? माँ कैसे समझाऊं तुझे? क्यों क्या प्रॉब्लम है? ये टॉपिक ही अजीब है ना। अम्मा यही सोच तो बदलनी है। अम्मा इतने इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक के बारे में एक माँ से बेहतर और कौन समझा सकता है? वैसे तो यू नो आजकल इंटरनेट पे फ्रेंड्स के थ्रू सबको सब कुछ पता होता है। आई मीन मैं एग्जैक्टली जानती हूँ आप मुझे क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन एक बात कहूँ, जब एक माँ अपनी बेटी का सर अपनी गोद में रखकर उसके बालों को सहलाते हुए ये बात समझाएगी ना तो बेटी को अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। मम्मा थैंक यू सो मच कि आज आप आए इस बारे में बात करने, वरना कितनी लड़कियां होती हैं ना जो अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात को लेकर इतना डरी हुई होती क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कुछ, मतलब अगर लड़का उन्हें सही से समझ नहीं पाया तो अगर लड़का सही नहीं हुआ क्या होगा? कैसे जानेंगी जब जब कोई समझाने वाला कोई बताने वाला ही ना। अम्मा सॉरी मैं सही कह रही ठीक? सुना मैं भी उन लड़कियों में से ही थी, मेरी माँ ने भी कभी मेरे साथ इस बारे में कोई बात नहीं की थी और मैं तो मेरी फर्स्ट नाइट को लेकर इतनी डरी थी कि मैं वहीं पर बेहोश हो गई, लेकिन तेरे पापा ने मुझे संभाल लिया, उन्होंने कभी भी कुछ भी फोर्स नहीं किया मुझ पर, मुझे मुझे अपना वक्त दिया। वैसे मम्मा मैं थोड़ी डरी हुई हूं,
मैं जानती हूँ रोहित को, बट मैं नहीं जानती वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मुझसे. जस्ट थोड़ी बेचैनी सी, डर, नर्वसनेस, सब कुछ. रोहित बहुत ही सुलझा हुआ लड़का है. आई एम श्योर वो तुझे किसी भी बात की तकलीफ नहीं देगा. तो इस बात का कोई टेंशन मत ले, मैं जानती हूँ उसे. ज्यादा तरफदारी मत करो आप उसकी, आप मेरी मम्मा हो. चलो अभी रोना बंद करो और मुझे बताओ खुश कैसे करना. मतलब पुलिस ने रवि को इसलिए अरेस्ट किया ताकि जो असली अटैकर है वो फिर से गलती करे और उसे पुलिस पकड़ ले. Absolutely. और इसी बात का डर है, यही रिस्क है. खान अंकल से बात हुई और उन्होंने कहा कि अटैकर शायद फिर कल कुछ करे और वही मौका है जब हम उसे पकड़ पाएंगे. सोनाक्षी को पता है इस बारे में? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, और पता चलना भी नहीं चाहिए. टेंशन में आ जाएगी और अपना फंक्शन एंजॉय नहीं करेगी. हाँ, और इस वक्त पुलिस प्लेन कपड़ों में सोनाक्षी के घर के नीचे पहरा दे रही है. 24 आवर सिक्योरिटी है. और सोनाक्षी बहुत भड़क जाएगी अगर उसे पता चलेगा मैंने उसे झूठ बोला था. और मैं चाहता हूँ वो काम रहे, रिलैक्स्ड रहे. करेक्ट. हाँ सर, चाबी. हाँ गुड, गुड जॉब ना. या गुड, चाबी सिक्योरिटी में दे दो. तो सर मैं कल से आ जाऊँ काम पे? आ जाओ, लेकिन ये जॉब टेम्प्ररी है महेश. मेरा जो ड्राइवर है रवि वो आ जाएगा जल्दी. हाँ जॉब टेम्प्ररी है, लेकिन वेरिफिकेशन के लिए अपना आधार कार्ड वगैरह दे देना. और वैसे भी शादी चल रही है तो एक हफ्ते तक थोड़ा ओवर टाइम होगा, तो जो भी होगा वो अकाउंट्स में दे देना. जी सर, कोई परेशानी नहीं है, जो भी काम होगा कुछ भी ना मैं कर लूंगा सर. ग्रेट, थैंक यू. तो वही कमिश्नर अंकल से भी बात हो रही थी. अच्छा, तो पुलिस के साथ मिलकर ये सारी रास लीला मुझे फंसाने के लिए चली जा रही है. हाँ ठीक है, कल वहां मैं भी रहूंगा और तमाशा भी होगा, तो कुछ नहीं कर पाएगा रोहित.